क्या आप कभी सिरदर्द के साथ उठते हैं? यह दिन की शुरुआत करने का एक सुखद तरीका नहीं है, लेकिन ऐसा होने के कई कारण हैं। आइए कुछ संभावित दोषियों पर करीब से नजर डालें। तनावग्रस्त मांसपेशी गलत तकिए के साथ या गलत स्थिति में सोने से गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है और सुबह सिरदर्द हो सकता है। जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है, जिससे लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है। इनसे तंत्रिका में जलन होती है और दर्द होता है, आमतौर पर तनाव सिरदर्द या माइग्रेन के रूप में, जो हल्के से मध्यम दर्द, हल्की मतली और कभी कभी प्रकाश और ध्वनि संवेदनशीलता का कारण बनता है। अपने दांत पीसना, रात में दांत पीसना, जिसे स्लिप ब्रुक्सिज्म भी कहा जाता है, खराब नींद का कारण बन सकता है और अक्सर उच्च तनाव स्तर से जुड़ा होता है। यह टेम्पोरोमैंडिबुलर संयुक्त विकारों TMJ को भी खराब कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जबड़े, आसपास की मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों में दर्द होता है, जिससे लगातार सिरदर्द हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया OSA के कारण नींद के दौरान सांस रुक जाती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे मस्तिष्क में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ सकता है और सुबह सिरदर्द हो सकता है। ये सिरदर्द महीने में 15 से अधिक बार सिर के दोनों तरफ होते हैं। इनमें दबाव की गुणवत्ता होती है और आमतौर पर जागने के 4 घंटों के भीतर ठीक हो जाती है। सुबह के सिरदर्द को अपना दिन बर्बाद न करने दें। संभावित कारण की पहचान करके आप उन्हें रोकने और उनका इलाज करने के लिए कदम उठा सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत तरीके से कर सकते हैं।